एकोंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। आपको बुक में ये डायग्राम दे रखी है, जैसे डायग्राम दे रखी है मैंने वैसे की वैसे डायग्राम बना दी। ये शेडेड रीजन है, ये हमारे पास सारा शेडेड रीजन है और आपको डायमेंशन दे रखी है पीक्यू की 24। ये आपको RP7 दिया हुआ है, ये शेडेड रीजन है। आपको पता है 9th में थ्योरम पढ़ी थी, एंगल फॉर्मड बाय डायामीटर इज ऑफ 90 डिग्री। आपको ये QR डायामीटर दिया हुआ है, ये QR, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, ये आपको QR डायामीटर दिया हुआ है। तो डायामीटर से एंगल जो भी बनता है वो 90 होता है। तो डायामीटर ने यहां पे यानी ये एंगल देखिए, मैंने एंगल 190 लिख दिया, साथ में रीजन लिखा एंगल फॉर्मड बाय डायामीटर 90। ये डायामीटर ने एंगल बनाया तो ये 90 होगा, तो इससे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये 90 हो गया, 90 के सामने वाली चीज क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, नीचे वाली चीज बेस, ये चीज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला, यानी मेरे पास हो गया QR का स्क्वायर, यहां पे QR का स्क्वायर हो गया 90 के सामने, देखिए QR है ना, तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, ये PR देखिए ये रहा और PQ ये रहा। सो QR हमारे को डायामीटर है यानी 90 के सामने, इसीलिए हाइपोटेन्यूस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के QR मेरे पास आया 6, QR का स्क्वायर 625, ये यहाँ पे स्केयर उधर जाके स्केयर रूट बन गया, तो 25 आ गया इसका स्केयर रूट, मीन्स मेरे पास ये डायामीटर 25 हो गया। डायामीटर 25 है तो इसका रेडियस क्या होगा, 25 का हाफ, ठीक है 12.5। तो अब शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, ये आधा सर्कल है, आधे सर्कल में से अगर मैं ट्राइंगल को गायब कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन। सो आधा सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में से अगर ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो ये शेडेड रीजन आ रहा है। तो मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखने वाला हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ये वाला ट्राइंगल। तो सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का आधा मींस हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ये वाला ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया आपने हमेशा पढ़ा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पाई की वैल्यू 22/7, डायामीटर 25 है तो रेडियस 25/2 होगा, 25/2 होगा तो रेडियस का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस, बेस ये चीज हो गई, हाइट ये चीज हो गई, सो बेस 7 हाइट 24। इसको सॉल्व करके ये आ गया और ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया। दैट्स इट।